हेलो फ्रेंड्स, तनवीज किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नवरात्र स्पेशल डाइट रेसिपीज में आज हम बनाने जा रहे हैं शुगर फ्री शेक। जो ये शेक है, इसकी खासियत ये है कि एक तो शुगर फ्री है और इसको आप पीने से आपको काफी देर तक भूख भी नहीं लगेगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिया है एक ग्लास दूध, और ये जो दूध है इसकी हमने ऊपर की मलाई हटा दी है। मलाई बिल्कुल भी नहीं लेनी है, जो फैट है बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो आप ये बिना फैट का मिल्क लेंगे या फिर लो फैट मिल्क जो होता है वो ले सकते हैं। ये हमने लिए हैं 5 से 6 खजूर, जिनका हमने अंदर से बीज निकाल दिया है। ये हैं 5 भीगे हुए बादाम, जिनका हमने छिलका उतार लिया है। और ये है ताजा नारियल, जिसका हमने ऊपर का ब्राउन हिस्सा हटा दिया है और इसे छोटे छोटे पीस में कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार, और इसमें हम डालेंगे ये नारियल के टुकड़े, और इसमें डालेंगे हम तकरीबन 3-4 चम्मच दूध डालेंगे, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ये बादाम। आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और सबसे पहले अब हम इसे पीसेंगे, और इसे स्पेशली मिक्सी के छोटे वाले जार में ही पीसना है, क्योंकि जो नारियल है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो शेक वाले जो जार है उसमें नहीं पीस पाएगा। तो सबसे पहले हम इसे पीस लेते हैं। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, दोनों चीजें हमने दूध में मिक्स करके पीस ली थी, बादाम और कच्चा नारियल। अच्छे से पीसना है ताकि जब हम शेक पिए तो ये मुंह में ना आए, इस तरीके से बिल्कुल फाइन पीसना है इसको। और अब हम मिक्सी के दूसरे जार में इसे ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं खजूर, और जो ये दूध हमने लिया था वो दूध डाल देते हैं। ये जार बड़ा वाला जार है जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको हमने मिक्सी में अच्छे से चर्न कर लिया है, और अब हम इसको ग्लास में सर्व करेंगे। शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हेल्दी शुगर फ्री शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये हमने नॉर्मल दूध में बनाया है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर का हमने दूध लिया है इसमें, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, और अगर ज्यादा गर्मी है या आपको ठंडा लेना है तो आप इसमें थोड़ी सी आइस डाल सकते हैं। तो आप इन नवरात्रों में इन्हें एंजॉय करें, और फिर मिलते हैं एक और नवरात्र स्पेशल डाइट रेसिपी के साथ।